पहले चाकू मारकर कर दी लड़की की हत्या, फिर आत्महत्या की कोशिश। कल्याण के तीसगांव इलाके में रहने वाली जब 12 वर्षीय लड़की ने आरोपी आदित्य कांबले के साथ रिलेशनशिप में आने से मना कर दिया, तो लड़के ने लड़की पर उसकी मां की उपस्थिति में बार बार चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। लड़की पर हमला करने के बाद कांबले ने खुद की जान लेने के लिए कीटाणुशक फिनाइल पी लिया। पुलिस ने जानकारी दी है कि कल्याण के तीसगांव इलाके में रहने वाली जब 12 वर्षीय लड़की ने आरोपी आदित्य कांबले के साथ रिलेशनशिप में आने से मना कर दिया, तो लड़के ने लड़की पर उसकी मां की उपस्थिति में बार बार चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। चाकू के वार से घायल लड़की ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हमलावर आदित्य कांबले को लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। सुनिए लोगों ने क्या कहा। वेडा मुलगा होता वाटतं आमचे जी कच्ची वरून खाली येत होता आणि हे दोघं जण मुलगीने आई बोलत चाललेले होते आणि तो वरून आला ते फ्रंट टावर डायरेक्ट मुलगा वार कर मार चार पाच केले आणि नंतर तिने वाचवायला गेली ना तिला धक्का दिला मग ती अशी पडली आणि तो पळाला तिथून ओरडा लागले ना मला हा ओरडा लागले ना तिथे आवाज आला तेव्हा आम्ही सगळेजण खाली आलो।